हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन कोई समझा दे तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या करना है। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमें क्वेश्चन समझ में आए। डू यू गेट मी? ठीक है, चलो 10 मिनट अब लगाओ। आपने ये पूरी असाइनमेंट खुद करनी है पहले 10-15 मिनट्स, और उसके बाद मैम विल डिस्कस द असाइनमेंट, राइट? सो अच्छा, सबसे पहले मैम कह रही है केस स्टडी वाला क्वेश्चन करो, सबसे लास्ट वाला पहले। अपनी कॉपीज सिर्फ रफ काम के लिए खोलो, बुक्स बंद कर दो, कॉपीज बंद कर दो। ओनली द केस स्टडी यू विल डू। पहले तो पेज स्टूडेंट्स, वी आर स्विचिंग ऑफ अवर वीडियो फॉर 2 मिनट्स। इतनी देर काम करो, हम फिर दोबारा से अपना वीडियो ऑन करते हैं। वी आर हेयर ओनली। ठीक है, जल्दी से केस स्टडी वाला क्वेश्चन करो। डोंट डिस्कस फ्रॉम योर सेल्फ डू इट बाय योर सेल्फ स्टूडेंट्स। जरा ना आपकी असाइनमेंट है ना बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, जरा राइट डाउन। ए स्टूडेंट वांट्स, एवरीबॉडी, ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन, ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम, बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। दोबारा से मैं ये पॉइंट बोल रही हूं सारा। ए स्टूडेंट वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल।
ये एक पैराग्राफ टाइप आप सोच लो, इसके क्वेश्चंस लिख लो. विच टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज, विच टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज. सेकेंड है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. थर्ड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. एंड फोर्थ है, ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, टू शो द इमेज फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, केस स्टडी करो और ये वाला क्वेश्चन करो, है ना. हाँ, सबसे पहले केस स्टडी कर लो जल्दी से, जैसे जैसे हो जाए हाथ खड़ा करते जाओ कि हमारा केस स्टडी हो गया. सबसे पहले केस स्टडी वाला करो. और बच्चों, साइन कन्वेंशन याद है आपको बेटा सबको, एट्थ बी, टेंथ बी, सॉरी, साइन कन्वेंशन, डू यू रिमेम्बर? यस, वेरी गुड. चलिए केस स्टडी फटाफट से करो. अपनी अपनी बुक्स बंद कर देना, बुक्स नहीं खोलनी, अपनी जितना आपको याद है उतना से. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? आवाज आ रही है बच्चे अच्छे से? ओके बेटा, कंप्लीट हो गया बच्चा केस स्टडी वाला क्वेश्चन? सबका हो गया? जस्ट रेज योर हैंड्स जिस चीज का हो चुका है बच्चे. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड. यस, टेंथ बी, किस किस का हो गया बच्चा कंप्लीट?
पैराग्राफ रीड कर लिया सबने? यस अच्छे से कुछ समझ आया पैराग्राफ में? यस चलिए, अच्छा बोर्ड दिख रहा है अच्छे से, क्लियरली दिख रहा है पैराग्राफ लिखा हुआ आपको? ओके यस बेटा, चलिए अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं क्या क्या है, क्वेश्चंस में उनको समझेंगे कैसे हमने उनको अप्लाई करना है। आई थिंक काफी बच्चों को तो ये चीजें आती होंगी। साइन कन्वेंशंस थोड़ा सा हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, कि कब वैल्यूज को पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव लिया जाता है। आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू, ठीक है? मैं आपका नाम लूंगी या किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करूंगी, आप ट्राई करना मुझे आंसर देने की, ठीक है बच्चा? ठीक है, विद रीजन आई वॉन्ट द आंसर। चलिए पहले हम एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेशन किस किस में, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज यू, डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इज वी, एंड द फोकल लेंथ एफ, ये स्मॉल एफ आएगा, इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, राइट बेटा? नाउ टेल मी व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, एनीवन फ्रॉम द 10th ए, जस्ट रेज योर हैंड्स, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? पीछे काफी हैंड्स रेज हो रहे हैं 10th ए में से। यस एनीवन, मैम प्लीज किसी को भेजिए जरा। upon u plus वेरी गुड, 1/f = 1/u + 1/v, दिस इज द मिरर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे? दिस इज द मिरर फॉर्मूला वेयर यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी हमारा इमेज डिस्टेंस है, और एफ हमारा क्या होता है? अच्छा ये सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं किसके रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं? लेंथ जो हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लेंथ मेजर करना? सपोज मैंने एक मिरर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर फोकस होगा, डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट बेटा? ठीक है, तो ये जो मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना है वो कहाँ से देखा जाता है? ये पोल है मेरे पास, बताइए जरा। सभी डिस्टेंस हमारे कहाँ से लिए जाते हैं? पोल से लिए जाते हैं। सपोज करो मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, लेट अस से मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट बेटा? ये दिख रहे हैं आपको लिखा हुआ ग्रीन में? चलिए अब देखो, मैंने अगर मुझे देखना है इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, मतलब यू की वैल्यू कितनी है, तो आई विल टेक द स्केल, मैंने पोल के ऊपर स्केल को रखना है, पोल से लेंथ मेजर करनी है, राइट बेटा? पोल से, एवरी लेंथ इज लेंथ आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है बच्चे? क्लियर हुआ? चलिए, तो चाहे मुझे यू की लेंथ देखनी हो, यू का डिस्टेंस देखना हो, चाहे वी का देखना हो, चाहे फोकस देखना हो, एवरी डिस्टेंस आई हैव टू मेजर फ्रॉम द पोल, ठीक है बच्चा? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, हमें और क्या मिल रहे हैं। दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड कब, किस किस कंडीशंस में ये वैलिड है? फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से मिरर्स आते हैं हमारे पास बच्चे? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे दोनों स्फेरिकल मिरर्स में सभी पोजीशंस के लिए ये फॉर्मूला हमारा वैलिड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, या ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम हर सिचुएशन में, हर साइज के लिए, दोनों मिरर्स के लिए, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, राइट बेटा? चलिए आगे क्या कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज। हां जी, साइज ऑफ इमेज मतलब किस चीज की बात हो रही है यहां पर? साइज ऑफ इमेज मतलब कि एच आई, हाइट ऑफ इमेज की बात हो रही है, राइट बेटा? यस
ठीक है, फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन द, किस किस पे ये एच आई डिपेंड करता है, हाइट ऑफ इमेज किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स ये आपका मिरर है, ठीक है, यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कि हाइट किस पे डिपेंड करेगी, कि आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे हुआ है, आपने सी पे रखा, आपने बियॉन्ड सी रखा, आपने ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा, कहाँ पे रखा, राइट बच्चा, ये भी तो हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी एंड एफ के बीच में कहीं पे रखा हो, इन बिटवीन, ठीक है बच्चा। तो हाइट ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर कैन बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर भी हो सकती है इमेज, देखो किस केस में लार्जर, अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बेटा, इस केस में इमेज आपकी बड़ी बनती है, ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो गई। अच्छा मुझे बताओ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट किस केस में बनती है, एनीवन फ्रॉम द 10th B? यस नवलीन, 10th B, हाँ जी बेटा, स्मॉलर इमेज कब बनती है, हम कहां पर ऑब्जेक्ट को रखे सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक यस फोकस के बीच में होगी। नो, सोचो बेटा थोड़ा सा। अच्छा इसमें ना एक चीज आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है, ये देखो आप एक चीज देखना, हो क्या रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट, विच मिरर इज दिस, कॉनकेव मिरर, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेजरमेंट्स आपको लेनी आती है ना, कि फोकस और पोल के जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस का भी होगा। बेटा आप इसमें एक चीज ध्यान से समझो, जब हम बहुत दूर होते हैं, मतलब वी आर एट इंफिनिटी, ये हमारी इंफिनिटी की सिचुएशन है, व्हेन वी आर एट इंफिनिटी इमेज का साइज जो बनता है बेटा, व्हेन वी आर इंफिनिटी तो साइज क्या आता है हमारे पास, पॉइंट साइज, है ना, पॉइंट साइज। अब आप आगे आ जाओ, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे बोलो, बियॉन्ड सी, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, बियॉन्ड सी रखा, बेटा ये 6 पोजीशंस होती हैं, जी कॉनकेव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करते हैं, जैसे जैसे हम आगे आएंगे, पहले तो देखो इतना छोटा सा था, इतना बड़ा सन होता है और उसकी छोटी सी इमेज दिखती है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज, अगर हम मिरर के ऊपर सन रेज को कॉन्सेंट्रेट करें तो उसकी जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी, मतलब लाइक इतनी सी इमेज दिखेगी सन की, तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट साइज, ठीक है बच्चे। अब हम जब आगे आए तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, इस केस में कहीं बिल्कुल पे सी और एफ के बीच में, तो थोड़ी सी देखो बड़ी हो गई ना इमेज, अब फिर हम सी पर आए, जब हम सी पर आए तो इमेज कहाँ बनी हमारी, वहीं पर बनी, और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया, थर्ड केस में एट सी पर क्या हो गया, हमारे पास इक्वल साइज आ गया, इस केस में क्या था, बियॉन्ड सी के केस में का क्या था, साइज इज स्मॉलर, पॉइंट साइज नहीं, अब दिख रही है हमें इमेज अच्छी खासी, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बनी पर दिख रही है हमें अच्छे से, राइट बच्चा। अब हम जब और आगे आ गए, और आगे आने का मतलब क्या है कि अब हम सी एंड एफ के बिटवीन कहीं पर आ गए हैं, ठीक है बच्चे, इस केस की इमेज कहाँ बनती है बेटा, बियॉन्ड सी बनती है और काफी बड़ी बनती है, देखो साइज और इंक्रीज हो गया, जैसे जैसे आप मिरर के पास जा रहे हो इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। आप इसको समझने के लिए ना एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता भी है, आप सी से समझो इस चीज को, आप क्या समझोगे सी से, कि एक मिनट, ठीक
है, सी से आप क्या समझोगे? सी के जो इस साइड का जो डिस्टेंस है बच्चा, जो इस साइड का डिस्टेंस है इधर वाला, यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा रहने वाला है। ठीक है बच्चे, इस साइड जो इमेज का साइज मिलेगा वो स्मॉल होगा, और सी के, हाँ जी, सी के इस साइड जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज साइज से लार्जर होगा। अगर अब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा है, बड़ा है तो इट मींस सी से उधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, सी के बाद कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर बोला जाए इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? सी से लेफ्ट साइड पे रखा गया होगा। ठीक है बच्चा, एक आपको बेसिक आइडिया समझ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो सी के राइट साइड पे है, छोटा है तो सी के लेफ्ट साइड पर है। इतना समझ गए? क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। चलिए चलिए आगे आगे देखते हैं। अब है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, एनीवन फ्रॉम द 10th ए अमित दीप, 10th है अमित दीप। हाँ जी बच्चा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज बताइए जरा क्या होते हैं। दोबारा बोलिए बेटा, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। h डैश अपॉन h। ठीक है बेटा, इसको आप इजी करने के लिए ना h i अपॉन h o लिख लो। ठीक है, वैसे तो जो आपने किया होगा कंफर्टेबल हो तो वैसे ही करना। इन केस अगर कंफ्यूजन होती है कि एच डैश क्या है, एच क्या है, तो आप इसको एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एच आई स्टैंड कर रहा है हाइट ऑफ इमेज, एंड एच ओ स्टैंड कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बच्चा, बोथ आर करेक्ट, यू कैन यूज एनी वन, बट आपको एक मैंने ऑप्शन दे दी है। ठीक है बच्चे, एनी अदर फॉर्मूला बच्चा? मैग्निफिकेशन का क्या कोई और फॉर्मूला भी है? एक और है, माइनस वी अपॉन यू, राइट बच्चा? तो वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इमेज क्या होती है? रियल। ठीक है, एंड इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल, राइट बच्चा? आप एम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आती है, इट मींस जैसे कि अगर आपको दे रखा हो लेटर से मैग्निफिकेशन इज, आपको दे दिया मैग्निफिकेशन इज -3। अब ये मैग्निफिकेशन का जो साइन लगा है ये क्या है? नेगेटिव। इस केस में नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? व्हाट विल रियल। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं मैग्निफिकेशन लिख लूं +2, व्हाट डज इट मीन? जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड। अगर +2 लिखा तो इस पूरे का क्या मतलब है? प्लस का मतलब तो समझ आ गया सबको, हमें दिया भी हुआ है, दिस प्लस स्टैंड फॉर वर्चुअल। इस 2 का क्या मतलब है? व्हाट दिस, कौन बताएगा, किसको पता है इस चीज का आंसर? 2 क्या, 2 किस लिए स्टैंड कर रहा है? यस, एनीवन फ्रॉम 10th ही, अदरवाइज आई विल स्पीक द नेम। दक्ष कौन है? यस बेटा, larger लार्जर देन, बट हाउ मच इट इज लार्जर? than object
इट इज पॉजिटिव, मैनिफेस्ट इज पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव साइन तो हो गया वर्चुअल के लिए। टू का मतलब हो गया कि इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर है, बट कितनी लार्जर है? टू है तो डबल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेट अस से 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, डबल। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ आया बेटा? लिख लो साथ साथ में, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है, तभी याद रहेगा पढ़ा हुआ, ऐसे याद नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा करने। चलिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज, लिख लो जो पहले लिख रहे थे, अगर नहीं कंप्लीट किया तो लिख लीजिए। मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? नेचर होगी, क्या होता है पॉजिटिव में? वर्चुअल। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, देन द इमेज कैसी होगी? हाँ रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आते हैं। और इसका एक अच्छा पॉइंट क्या है कि ये लेंस में भी सेम ही रहता है, सेम फॉर द लेंस, लेंस में ये चेंज नहीं होगा क्राइटेरिया, ठीक है बच्चे? बाकी सब लेंस में चीजें उल्टी हो जाती है ना, रिवर्स हो जाती है मिरर से, बट ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट एज इट इज आपका लेंस में भी चलेगा, राइट? चलिए, नाउ लुक एट योर फर्स्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा मुझे आंसर इसका? यस, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका फोकस, और यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट भी रखा गया है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट फोकस पर है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? कैसे बनती है? इस तरीके से, है ना? और फिर एक आप यहाँ पे फॉल कर सकते हो पैरेलल, इस तरीके से, राइट? तो ये जब पैरेलल रेज होती है, इनको हम बोलते हैं दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चा, यस एरोज जरूर लगाने हैं बच्चा, रे डायग्राम्स में क्रॉस लग जाता है सीधा ही, अगर एरोज नहीं डालोगे रे डायग्राम्स में, ठीक है? बोर्ड में, एग्जाम में सीधा क्रॉस आता है एरोज के कारण। तो ऐसा ना करना कि डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और उसके ऊपर एरोज पुट करना भूल जाओ, ठीक है? बी वेरी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मैग्निफिकेशन, वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट आंसर कौन बताएगा? अभी हमने पढ़ा, इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव, इट इज रियल। ये नहीं होगा वर्चुअल दिया है, वर्चुअल नहीं दिया है। अच्छा, रियल तो यहां पर भी दिया है, रियल एंड स्मॉल, नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड स्मॉल तो कुछ होता ही नहीं है ना, रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है, कि अगर अब इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इस तरीके से, राइट बेटा? चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए, द मिरर होल्ड, द मिरर फॉर्मूला होल्ड फॉर, किस लिए होल्ड होता है मिरर फॉर्मूला? किस चल कॉनकेव मिरर के लिए एप्लीकेबल है? ओके जी, तो क्या ये कॉनकेव मिरर के लिए एप्लीकेबल है? कॉन्वेक्स के लिए? क्या ये प्लेन पे अप्लाई हो सकते हैं? यस, इट इज एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर ऑल्सो। बच्चा, प्लेन मिरर की बस शेप ही तो चेंज होती है, स्ट्रेट हो जाते हैं, बट यू वी और एफ इसमें भी तो होते हैं,
लेंथ कितनी होती है प्लेन मिरर की? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? कौन बताएगा? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. राइट इट, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी. ठीक है, दिस इज इंफिनिटी, बहुत दूर होती है फोकल लेंथ. ठीक है. अच्छा, कोई मुझे बताएगा वन अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन इंफिनिटी? मैथ्स में पढ़ते हो? यस, माइनस फ्रॉम 10th B. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वहीं से बोल दो बेटा थोड़ा लाउडली, वहीं से बोल दो. जीरो. वेरी गुड, वन अपॉन इंफिनिटी इज जीरो. तो देखो बेटा, प्लेन मिरर में भी एप्लीकेबल है. हमारा फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u. दिस इज द फॉर्मूला. फोकल लेंथ की वैल्यू अगर हम इंफिनिटी डाल देते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला ऐसे हो जाता है कि 1/0, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा 0 = 1/v + 1/u. ठीक है, और ये फिर आपको सॉल्व करके मिलेगा 1/u = -1/v. रेसिप्रोकल ले लो तो आपको मिलेगा u = -v. तो ये एप्लीकेबल होता है प्लेन मिरर में. हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तो ये u हुआ मिरर से डिस्टेंस, इमेज यहाँ बनी, ये डिस्टेंस हुआ v. इक्वल होता है ना यू और वी. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगा. पढ़ा हुआ ये, पता है ना इस चीज का? तो ये जो आंसर आएगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा ऑल टाइप ऑफ मिरर्स. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो इस टॉपिक में. तो प्लेन मिरर के लिए भी मिरर फॉर्मूला होल्ड होता है, वी कैन अप्लाई. चलिए, नाउ कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा, कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द साइज ऑफ द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. बच्चा सी, साइन कन्वेंशन है इसमें. पहले मुझे बताइए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, क्या हो रहा है? ठीक है, ये साइज हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज का मतलब क्या होता है बच्चा? हाइट हाइट. हाइट किसकी दी हुई है हमें बेटा? न्यूमेरिकल्स में ना प्रॉब्लम ही यही आती है. आप सबको पता है गिन के दो फॉर्मूलाज हैं, एक मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन का. ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपको स्टेटमेंट रीड करने के बाद काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, पता नहीं ये हाइट दी हुई है, पता नहीं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, यू है, वी है, गिवन क्या है. इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना बच्चे? तो करना क्या है हमने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज का बेटा हमेशा मतलब होता है हाइट. ठीक है, एक चीज. अब ये हाइट हमें किसकी दी गई है? ऑब्जेक्ट की दी गई है. तो ये इस हाइट को हम क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है बेटा, कौन सा मिरर दिया गया है? कॉनकेव मिरर. ये मेरा कॉनकेव मिरर है, कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं पे मुझे नहीं पता कहाँ रखा. इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. बेटा देखो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 10 सेंटीमीटर. रखा कहाँ गया ऑब्जेक्ट को? 15 पे.
मतलब यहां तक आते आते तो हम 20 पे हो जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है ना फोकस से, तो 15 कहाँ आएगा? कहीं सी और एफ के बीच में ही तो मिलेगा हमें, ठीक है? तो कहीं पे भी मतलब इसके मिड में हम रख लेते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया, ये मेरा जो डिस्टेंस था ये हो गया 15, राइट बच्चा? तो मुझे और क्या मिला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिला बच्चे? दैट इज यू इक्वल्स टू 15। अभी साइन देखते हैं इन सबके क्या लगेंगे। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? नोट करते जाना बेटा थोड़ा सा। दैट इज एफ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है इनकी साइन की। अब साइन कैसे कैलकुलेट करें, है ना? देखो, आपने एक्सिस पढ़े हैं, दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, यू हैव स्टडीड, है ना? अब मुझे बताओ, अगर ये आपका सेंटर है, ओरिजिन है, इसको मैं ओरिजिन ना लिखकर पोल लिख लूं तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा बताइए? लिख सकते हैं पोल? आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं पोल, राइट? सेंटर को मैंने पी मान लिया। अब मुझे ये बताओ, जो इधर वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं सब? यहां पर क्या होती हैं? ठीक है, ऊपर की तरफ अगर एरो लगाओ तो साइन क्या लेते हैं हम? और वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड एरोस का साइन क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव। बस आपकी सारी साइन कन्वेंशन खत्म। सिर्फ आपने क्या देखना है कि ये आपका पोल है ना? पोल से ये देखो, ये पोल है, पोल के इस तरफ जो भी वैल्यूज बेटा आपको मिलेंगी, जो भी वैल्यू आपकी इस तरफ को होंगी, वो सब क्या होंगी? नेगेटिव। अब मुझे बताओ, फोकल लेंथ पोल के इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पर है? लेफ्ट पे है। लेफ्ट पे है, तो अब मुझे ये बताओ कि जो फोकल लेंथ का जो साइन है वो मैं क्या लूं? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखा गया या राइट पे? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब साइन अगेन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मेरी हाइट है ऑब्जेक्ट की, कितनी? 1 सेंटीमीटर। इसका एरो देखो कहाँ है, बताओ कहाँ पे एरो? ऊपर की तरफ एरो लगा या नीचे की तरफ? इस केस में ऊपर की तरफ एरो कहाँ पर है? यहां पर ना, ऊपर की तरफ। ऊपर है तो उसका साइन क्या था? पॉजिटिव। तो इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ आया सबको? ठीक है, न्यूमेरिकल फिर कंप्लीट करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कॉनकेव मिरर इज 3.5 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है? अगर ये कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, तो इसका फोकस कहाँ होता है? इधर होगा। फोकस कहां पर होगा कॉनकेव मिरर का? यहां पर होगा। ब्लू वाला ठीक है या मुझे ये बताओ ये ग्रीन वाला ठीक है? फोकस हमेशा मिरर का इस तरफ होता है, यहां पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है बच्चे? लेफ्ट साइड पे आप साइन देखो, ये पोल मार्क कर लो। अब पोल से इधर के साइन को हम क्या लेते हैं बच्चा? तो मुझे क्वेश्चन 6 में बताइए, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बेटा देखो, अब क्या कर दिया गया है, अब क्या किया गया है बताओ? मिरर बदल दिया। अब मुझे ये बताओ,
जो इसका फोकस है मिरर का, वो यहां पर होगा या फिर ब्लू वाला होगा या ये रेड वाला होगा फोकस यहां पर। देखो ये सर्कल देखा करो, जहां ये सर्कल पूरा हो रहा है वहीं पे फोकस बनेगा। जब हमने कॉनकेव मिरर लिया था तब यहाँ फोकस था, इसका सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, तो फोकस अंदर आना चाहिए सर्कल के। ठीक है बच्चे, फोकस सर्कल के अंदर होगा, बाहर नहीं हो सकता। राइट बच्चा, क्लियर हुआ ये? चलो अब मुझे ये बताओ कि इस फोकस की वैल्यू, ये पोल है ठीक है, ये पोल है आपका। अब मुझे बताओ ये जो पोल के किस तरफ है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? यहां पर आ जाओ, अभी फोकस मुझे कहाँ मिल रहा है? राइट राइट पे। पोल के राइट साइड पे जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? साइड पॉजिटिव। तो इस केस में क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक पॉजिटिव है। एन ऑब्जेक्ट, अगेन रीड कर रही हूँ मैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। रखा कहाँ गया है? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है बच्चा, फोकस तो इसका बेशक से यहां पर है। ये मिरर ऐसे हुआ, मतलब इनर साइड इसकी पॉलिश्ड होती है और बाहर वाली साइड इसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। ऑब्जेक्ट रखा तो यही गया है, ऑब्जेक्ट को नहीं कहीं और रख सकते हम, मिरर के अंदर जाकर नहीं रख सकते ना ऑब्जेक्ट को, बाहर ही रखा गया है। अब मुझे बताओ जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है ये मिरर के कौन सी साइड पर है? ये मिरर का पोल हो गया, पोल के किस तरफ रखा गया, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? अच्छा लेफ्ट पे रखा गया है, तो मुझे ये बताओ, मेरा प्रॉब्लम ज्यादा होच पोच सा हो गया। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे रखा गया है, ये हमारा एक्सिस था है ना, ये हमारे एक्सिस, ये पोल, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट मुझे बताओ पोल से नेगेटिव साइड पर है या पॉजिटिव साइड पर है? तो नेगेटिव ये हमारा डिस्टेंस होता है यू, राइट बेटा, यू हो गया हमारा। ठीक है बच्चे, तो यू का साइन हो गया इस केस में हमारा नेगेटिव। रादर आप एक चीज समझ सकते हो, यू का जो साइन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका ना आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बच्चा, शुड वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल फर्स्ट, Yes. है ना, एक बार कर लेते हैं जल्दी से, एक मिनट बच्चा, कुछ ना हैंग हो गया लग रहा है, एक मिनट वेट करो जरा, मैं आई। हाँ जी बच्चे, शोर नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करो जरा जल्दी से, साइन कन्वेंशंस बता दिए हैं, फॉर्मूला आपके पास है, फिनिश इट फास्ट। मैम ये ना थोड़ा हैंग हो गया लग रहा है, मूव नहीं कर रही स्क्रीन कहीं पे। हाँ एक मिनट, हाँ जी हाँ जी बेटा जल्दी से कीजिए। राइट आंसर सभी मान फर्स्ट क्वेश्चन यस यस, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट, पापा क्वेश्चन
हाँ जी बच्चा डन। और अपने मेडिकल पास कर लें। हाँ जी बेटा डन। ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। वी विल आई विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट ओनली राइट। ठीक क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इट इज सेइंग। फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। साइज निकालना है ठीक है बच्चा। हमें नेचर बतानी है और हमें क्या बताना है पोजीशन। तीनों चीजें हमें किसके लिए बतानी है बच्चा। इमेज के लिए। इमेज के लिए ठीक है। इमेज के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं वी। इमेज डिस्टेंस को वी से तो डिनोट करते हैं हम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज अभी हमने लिखा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यू कितना है बेटा। वेरी गुड। -15। अगेन मैं ड्रॉ कर रही हूँ कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट हमारा पोल के लेफ्ट साइड पर रखा जाता है। इस साइड डिस्टेंस होते हैं हमारे नेगेटिव। ठीक है बच्चा। गेट क्लियर। तो इसलिए माइनस है। फिर हमें दिया गया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब हमने समझा था कि जो फोकल लेंथ होती है वो कहां पर होती है। वो भी इधर ही कहीं पर होती है। वो भी लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे है तो वैल्यू हमारी क्या आएगा साइन माइनस। बस इतना सा रिकॉल कर करके ना जब भी न्यूमेरिकल करो इस चीज को अपने दिमाग में बिठाओ। कुछ भी नहीं करना होता सिर्फ एक ये इतना सा अपने मिरर अपने रफली ड्रॉ कर लेना है न्यूमेरिकल को देखते साथ कि उसमें कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव भी है तो एक ये रफ बना लो। कॉन्वेक्स भी है तो रफली ऐसे बना लो। और आपको ये सर्कल देखते ही पता लग जाएगा कि ये सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है और ये वाला दूसरा सर्कल किस साइड कंप्लीट हो रहा है आपका। इस साइड कंप्लीट हो रहा है और फोकस तो कहीं सर्कल के अंदर होता है। समझ गए। अब इस केस में यहां पोल है इस केस में यहां पोल है। जो भी चीजें आपको इधर मिलेंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। इसका फोकस भी यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही है।
कॉन्वेक्स के केस में क्या है, फोकस भी यही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही है, तो सब कुछ आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है बच्चे, पोल के राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। ठीक ठीक है, मैं बार बार फिर एक दो बार रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम पोजीशन देख लेते हैं इमेज की। तो फॉर्मूला लगाएं, 1/f = 1/v +1/u। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, -1/10 = v की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस u कितना है आपका, -15। यस ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया इतना, इज इट क्लियर? चलिए, कैलकुलेशन किसी ने आंसर सॉल्व कर लिया है, एनीवन हैज सॉल्व द आंसर? यस ओके, हाउ मच इज द आंसर? ओके, एक बार चेक कर ले, तो ये कितना आ गया देखो, चलिए 1/v = हम लिख सकते हैं -1/10। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, इट विल बिकम, हां माइनस जी क्या बन जाएगा, हां जी ये बन जाएगा आपका माइनस, तो ये बन जाएगा आपका दूसरी साइड आकर ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/15। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा एलसीएम, इट विल बी 30। हां जी -3 + 2 -1/30, दिस इज योर मैथमेटिकल पार्ट एक्चुअली। तो 1/v आपका आ गया -1/30, रेसिप्रोकल लेना है इसका, v आपका आ जाएगा -30 ठीक सेंटीमीटर। राइट बच्चा, चलिए इज इट क्लियर? आगे वो क्या पूछ रहे हैं, पोजीशन तो हमने निकाल दी, नेक्स्ट वो क्या पूछ रहे हैं, क्या फाइंड करना है बेटा, नेचर भी और साइज भी। साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है मुझे। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ही होती है ना, HI/HO। ठीक है, बट हमने देखा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U भी होता है, ये भी होता है, तो क्यों ना मैं यहां से पहले m की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि अब मेरे पास v की वैल्यू भी है और मेरे पास u भी है, हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, माइनस v की वैल्यू इज -30 एंड u इज -15, तो ये माइनस कट गया, 15 to the 30, मैग्निफिकेशन आ गई -2। ठीक है, अब यहां डालो वैल्यू मैग्निफिकेशन के, टेल मी द आंसर फास्ट। हां जी, नाउ एम क्या हुआ आपका, HI/HO। चलिए मैग्निफिकेशन कितना आया बेटा आपका, -2। हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन थी 1 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर। राइट बेटा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, प्लीज डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर टू में बाद में डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फ्लो बन जाए, देन आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल टू। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए, अभी हम कर चुके हैं काफी ये क्वेश्चन डिस्कस, बट दोबारा देख लेते हैं। कौन बताएगा मुझे, यस, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई और रीड करेगा स्टेटमेंट, किसी को बोलती हूँ मैं, अनीशा फ्रॉम क्लास 10th B, रीड द स्टेटमेंट बच्चा, वहीं से कर दो, आ जाएगी आवाज थोड़ा लाउडली बस। नेचर ऑफ द इमेज, तो क्या क्या गिवन है बच्चा इसके अंदर,
फोकल लेंथ, ठीक है बच्चा, कितनी गिवन है फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव देखो पॉजिटिव, हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया फटाफट से, एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, हमें पता है इसका सर्कल यहाँ कंप्लीट होगा तो फोकस अंदर आएगा, अंदर आएगा तो ये पोल है, पोल के राइट साइड पे फोकस जो है इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हमारा साइन जाएगा पॉजिटिव, राइट बच्चा? और क्या गिवन था बच्चा, एक चीज और गिवन है हमें, यस, जापान ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट रखा गया है कहां पर? 20 सेंटीमीटर पर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, लाइक दिस। तो ये मुझे बताओ लेफ्ट पर आया या राइट पर आया? लेफ्ट पे है ना, ये समझो ये आपका पोल है, तो इस साइड डिस्टेंस क्या होते हैं बच्चा बोलो, इस साइड वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, तो यू क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। मैंने एक चीज और बताई है, यू के लिए आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बच्चे, यू के लिए आपने ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी अपनी, और बहुत चीजें हैं ना, यू को फ्री कर दो, ठीक है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए अब हमें क्या बोला गया, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, वी हैव टू फाइंड वी, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, विच फॉर्मूला? बस नौ चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आएगा, ठीक है, मैं स्टेप वाइज कर रही हूं, चलिए जो कर सकते हैं अपने आप करो। ठीक है बच्चे, देखो जरा, 20 LCM, यस, 2 + 1 इट विल बी 3/20, चले आगे, ठीक है, इट विल बी 3/20 एंड दिस इज 1/V गोइंग ऑन, तो 1/V की वैल्यू हमें कितनी मिली बच्चा, 3/20, इट इज पॉजिटिव, बताइए या कुछ गड़बड़ है? पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में इमेज बनती है बेटा यहां पर, है ना, इमेज कहाँ बनती है, जहां मैंने अभी मार्क किया, इस पोजीशन पर इमेज बनती है बेटा। अब मुझे ये बताओ, ये जो है पोल के किस तरफ आ रही है इमेज हमारी, ये पोल है, इस तरफ आ रही है, और इस साइड वैल्यूज क्या होती है बेटा हमारी, पॉजिटिव, तो इट मींस योर आंसर इज करेक्ट, तो वी बन जाएगा आपका 20/3 एंड इट विल बी 6.6666 चलता जाएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, राइट बच्चा, चलिए नेचर ऑफ द इमेज क्या जाएगी बेटा इसके अंदर, ये हमारा वन आंसर आ गया है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर एंड सेकंड इसमें नेचर पूछा गया है, नेचर कैसी होगी बेटा इस केस में, नेचुरल कौन सा मिरर है, विच मिरर वी हैव, कॉन्वेक्स, एंड कॉन्वेक्स मिरर में तो बेटा हमेशा जो नेचर होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल, ठीक है, अगर वर्चुअल है तो इसके से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए, वर्चुअल में जो मैग्निफिकेशन है वो भी क्या आएगी, मैग्निफिकेशन दैट इज एम कितना होगा, पॉजिटिव होगा, अभी किया था ना स्टार्टिंग में हमने, चलिए ये नोट कर लिया सबने, चलिए 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 आगे करें फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए चलो
अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। ठीक है, एक एक सिक्योरिटी मिरर है। अच्छा मुझे बताओ, एज अ सिक्योरिटी मिरर हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं या कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं? सिक्योरिटी मिरर हमने यूजेज में हम पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ सिक्योरिटी मिरर। इट मीन्स हमारा मिरर ये वाला होने वाला है। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताओ इस केस में जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट पे या राइट पे? नहीं, ये है लेफ्ट, ये है राइट। मुझे अब बताओ कहाँ पर होगा, है ना? यहां पर। अगर फोकस यहां पर है, अगर फोकस मेरा यहां पर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव? फोकल लेंथ मिलेगी पॉजिटिव। यू क्या मिलेगा मुझे इस केस में, पॉजिटिव मिलना चाहिए या नेगेटिव? यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है ना? वी क्या मिलना चाहिए मुझे, आप बताओ? इस केस में इमेज कहाँ बनती है, यहां कहीं बनती है ना इमेज? ये चीजें बेटा दिमाग में रखो, तभी न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे। यही तो चीजें बस हैं जो कंफ्यूज करती हैं। आपने न्यूमेरिकल बाद में करना है, स्टेटमेंट बाद में पढ़नी है, आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल के अंदर मिरर कौन सा दिया गया है या लेंस कौन सा दिया गया है। अब आपको पता लग गया ना सारे साइंस क्या क्या लेने हैं। अगर साइन की तो गड़बड़ होती है न्यूमेरिकल्स में, प्लस ले लिया तो गलत, एक गलती से माइनस लिख दिया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत, और 3 नंबर का बन जाएगा 0 नंबर। वो काम नहीं करना, स्पेंड करो टाइम ऑन डायग्राम। टाइप देखो, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, या कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये समझ लोगे, मिरर के ऊपर टाइम लगा लोगे तो लेंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे आपको। यही करना है हमने सभी जगह, रट्टा नहीं मारना। वी आर नॉट गोइंग टू क्रैम द साइंस। हमने नहीं याद करना हाथ रख रख के, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एच डैश नेगेटिव, ऐसे नहीं करना। समझना है बस चीजों को। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया? अब हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है ना बेटा, वो कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट पे। राइट पे ये हमारा इमेज बना, ये कहाँ पर आएगा? अब बताओ, इस साइड वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं? तो वी का साइन हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अब हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो अभी तक हमने स्टेटमेंट रीड नहीं की, नाउ आई विल रीड द स्टेटमेंट, और आप मुझे फटाफट बताओगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या गिवन है। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है तो फोकल लेंथ इसकी हाफ होती है बेटा, 5/2, है ना? इट विल बी 2.5 मीटर। चलिए जल्दी से मुझे साइन बताओ इस केस में, फोकस का साइन, फोकल लेंथ का साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे वेरी गुड, इट विल बी पॉजिटिव। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिसने इस चीज को अभी समझा है, अच्छे से मन लगा के, कि समझ आया हमें पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है? चलो गुड, पर अब इसको कंटिन्यू रखना है चीज को, भूलना नहीं कि क्लास खत्म तो भूल जाओ साइंस, भूलना नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो इसमें रह जाएंगे, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। ठीक है बच्चे, चलिए। फोकल लेंथ आई प्लस 2.5 मीटर। आगे चलिए, इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर। बेटा अगर मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है, मैं मिरर से 20 मीटर के डिस्टेंस पर हूं, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ मिरर के लिए, समझे? तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यू से डिनोट करते हैं, वो दिया गया है 20 मीटर। विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, आंसर नेगेटिव नेगेटिव। आंसर दो बच्चा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। वही चीज हमें क्या निकालना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर।
अगेन वही तीन चीजें फाइंड करनी है, और तीनों चीजें हमें किसके लिए निकालनी है, इमेज के लिए। ठीक है, पोजीशन का मतलब मुझे क्या निकालना है, पोजीशन मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वी, वेरी गुड। साइज मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एच एच। आगे एच आई, नेचर मतलब कि वो रियल है या वो वर्चुअल है। ठीक है बच्चे, चलिए ये सब हो गया, अब तो आप कर सकते हो सिंपल। आपके पास एफ है, आपके पास यू है, आप वी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, हाँ जी, क्या फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। तो ये निकालना है, 1/v को यहीं रखो, u को इधर ले आओ उठाकर, 1/v, फोकल लेंथ आपकी है -2.5, u है आपका -20। बेटा कैलकुलेशन समवट थोड़ी बहुत हर किसी की वेरी कर सकती है, कि अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत चेंज आ सकते हैं। देखो ये माइनस मैंने ऊपर ले लिया, डेसिमल हटा तो 10 आ जाएगा ऊपर, ये मैथमेटिकल पार्ट आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 = 1/v। दिस नेक्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क, इसका आंसर मुझे करके बताना, लिख के रखना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चा, कैलकुलेशन पार्ट है अब आपका, इसका यू हैव टू डू द कैलकुलेशन और मुझे आंसर बताना कितना आएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। चलिए फटाफट रीड कीजिए, द फोकल लेंथ ऑफ स्मॉल कॉनकेव मिरर इज 3.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर, फोकस यहां पर, दिस इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है 3.5 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू यूज दिस कॉनकेव मिरर एज अ डेंटिस्ट मिरर, द डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी, बताइए डेंटिस्ट मिरर की तरह मुझे यूज करना है इस मिरर को, तो डेंटिस्ट कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, वो टीथ की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। अच्छा टीथ आपको ये बताओ, छोटा दिखना चाहिए कि बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा, बड़ा दिखना चाहिए, और साथ में उल्टा दिखना चाहिए, इन्वर्टेड या इरेक्ट दिखना चाहिए, सीधा ही तो दिखना चाहिए ना, उल्टा दिखेगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, गलत साइड पर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्वांटिटी क्वालिटीज कब आती है, कि इरेक्ट भी बने, इरेक्ट भी बने और एनलार्ज्ड भी बने, ये कब मिलेगा आपको, कब होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा इसके लिए आपको, इरेक्ट इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर में एक ही जगह पर बनती है बेटा, और वो इरेक्ट इमेज कहाँ पर बनती है, जब यहाँ पर बनती है, और इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है तो उसका डिस्टेंस 3.5 मीटर से कम होगा या ज्यादा होगा, कम, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चे, यस। ठीक है, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर विद अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, हां जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर विद द रेडियस, बेटा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर तो, राइट, लार्ज डिस्टेंस, एक ऑप्शन मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन को कट करके बेटा इंफिनिटी कर लीजिए, ठीक है, इंफिनिटी कर लीजिए। ठीक है, आपका एक कॉनकेव मिरर है, लार्ज डिस्टेंस, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बहुत दूर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सॉरी इसको फोकस कीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, कीप इट एज, कीप द ऑप्शंस एज इट इज, सेम ऑप्शंस रखिए बेटा, ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पर है, इट मींस ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है इनफिनिटी पर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर पर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? फोकस फोकस पर। तो फोकस का डिस्टेंस कितना होगा बेटा फ्रॉम द पोल? इट विल बी हाफ ऑफ द 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही होता है ना? फोकल लेंथ कितनी होती है? 2 टाइम्स R होती है। तो ये 15 आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर। चलिए बेटा एक आधा एक दो एजर्शन रीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गया अभी हमारा। टाइम हो रहा है क्लास का। एक एजर्शन रीजन देख लेते हैं ठीक है। 11th वाला देखिए जरा। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताइए। प्लेन देखो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा? प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन का साइन क्या रहता है बेटा? राइट। रीजन द मैग्निफिकेशन ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। आ, आ, है ना? ये कॉन्वेक्स मिरर, इसकी मैग्निफिकेशन, ये भी हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, एजर्शन तो हमारा ट्रू आ चुका ना, और रीजन क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, और वर्चुअल इमेजेस के लिए हमारी मैग्निफिकेशन हमेशा रहती है पॉजिटिव। तो रीजन इज फॉल्स एंड एजर्शन इज ट्रू। राइट बच्चा। अच्छा 12th भी जल्दी से बता दो। एजर्शन रीजन वेरी सिंपल, फटाफट कर दो। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। डन। योगदान यस, एजर्शन इज ट्रू। एजर्शन हमारा 12th क्वेश्चन में एजर्शन जो है दैट इज ट्रू। व्हाट अबाउट रीजन? व्हाट अबाउट रीजन? चलिए चलिए देखो, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, कह रहे कि कॉनकेव मिरर है, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यही बोल रहे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो यहां से जो रेज बनती है बेटा, मैंने अभी बनाकर दिखाई थी, ऐसे बनती हैं। ये देखो, तो ये रेज कहाँ में जाकर मीट करती है बेटा? इंफिनिटी पर। एंड आर दे पैरेलल? यस, है ना? तो ये रीजन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, जल्दी से बताइए। यस, देखो ट्रू, वेरी गुड। समझ आया है? देखो कह रहे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पर रखा गया देन द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी राइट, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी राइट है। तो रीजन भी हमारा ट्रू है। बट इसकी राइट ऑप्शन क्या रहेगी? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की? नो। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इज दैट क्लियर बच्चा? चलिए सफिशिएंट फॉर टुडे, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 आपका रह गया, 9th रह गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमने 5th किया उसके कैलकुलेशन रह गई हैं, वो आपका होमवर्क है, वो मैंने आपको बोला करके आना है आपने। बाकी चलिए सफिशिएंट है आज के लिए। समझ आया बेटा? पहले मुझे ये बताइए, आपको साइन करने, मेरा मेन मोटो आज की क्लास का था, आपको साइन लेने आने चाहिए कि प्लस पता लगे माइनस पता लगे, कब लेना है। एक चीज थोड़ी सी मेरी रह गई है, जरा सी समझ लो बस। क्या चीज है? कोई भी मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा, है ना? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा ऊपर रखा जाता है और एरो आता है ऊपर की तरफ। जब हम प्लस और वाई एक्सिस को देखते हैं बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस है
और इसका साइन क्या रहता है ऊपर की तरफ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस एक चीज ये ध्यान रखना, और अगर इमेज आपकी डाउनवर्ड बन रही है तो एरो भी डाउनवर्ड आएगा, राइट बेटा? हाँ जी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आप क्या लोगे बच्चे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी हमेशा रहेगी बच्चा पॉजिटिव। अगर एरो नीचे की तरफ है तो हाइट ऑफ इमेज होगी बेटा नेगेटिव। देखो नेगेटिव, एरो यहां से मैच करो आप, ठीक है बच्चे? ये नेगेटिव होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखोगे, सीधा ही रखोगे, आप कोई ट्री की इमेज देख रहे हो उसको उल्टा थोड़ी करोगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी जो इमेज बनती है यहां पर बनती है, देखो इसका एरो कैसा है बताइए। इसका एरो ऐसे वाला है ना, Yes. और इसका साइन क्या रहता है हमारा? पॉजिटिव। Yes. तो ये भी आपने लेना है पॉजिटिव। सिर्फ देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो आप। यू हमेशा आपका नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों चीजों के ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना कि क्या साइन है, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज देखनी है, नीचे बनी या ऊपर बनी। नीचे बनी तो नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ एरो का साइन नेगेटिव होता है। ऊपर बनी तो पॉजिटिव। बस इतनी सी कहानी है, इसको यूज करो, रटना नहीं है। प्लीज डोंट क्रैम द साइंस बच्चा, दैट विल अफेक्ट योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है? ओके बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस एग्जाम्स, ठीक है बच्चे? कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ओके बेटा? चलिए बेटा, देन ओके, बाय बच्चा, बाय बेटा।